बजी फोन देख गया बेट वो उठाया माधव हाँ माधव बोलो उतर जा नीचे पांचवे नीचे हाँ माधव बोलो अच्छा विदेशी क्लाइंट नहीं नहीं तो हम खुद ही आके डील करेंगे उनके साथ हाँ बस हमारे हाँ फोन तो रखो हाँ किससे बात कर रहे थे माधव भैया से फॉरेन क्लाइंट से मिलने जाना है तो आप ये शर्ट क्यों पहन रहे मैं आपको एक अच्छी सी शर्ट निकाल के दे रही हूँ क्यों अच्छी तो है नहीं मैं दे रही हूँ ना ये पहले मैं आपके लिए ये पहनेंगे ना तो फॉरेन क्लाइंट्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा लीजिए ये पहन लिया और निकल जाते तो बाथरूम चला जाते हैं निकल जाते आप निकल लिए शर्ट लेके निकल ली बाथरूम में अच्छा हम चेंज कर रहे थे बाथरूम किधर है जरा ओ बेवड़े जा अब तो गो बेटा तू बोल अपनी लाइन अब अम्मा जी कभी बता देना पड़ेगा क्या करना है और निकल टेक ये इधर थर्मो दोरे एक्शन फोन हाँ बोलो माधव हाँ अच्छा विदेशी क्लाइंट है हाँ तो हम खुद आते हैं ना अरे हाँ भाई रुको कपड़े तो पहने दो मैं फोन रुको अरे फॉरेन क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं हाँ मीटिंग फिर ये शर्ट क्यों पहन रहे हैं मैं आपको अच्छी सी शर्ट निकाल के देती हूँ रुकिए अरे सागरिका ठीक तो है इसमें बुरा क्या है ये शर्ट पहन ये लाई थी मैं आपके लिए इसे पहन कर जाएंगे ना तो फॉरेन क्लाइंट्स पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका लीजिए तो अम्मा जी को भी बता ही दिया जाए तो क्या करना है कल आज सेकंड वाला कल शाम तक सब सब काका का विरार कहाँ विरार कहाँ हमारे साथ 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 में घूमने भी जाना है क्या पसंदीदा शर्ट भी बनानी है दोनों बाहर का जैसा ही क्यों कर रहा दोनों बाहर का जैसा ही क्यों कर रहा और वो भी एक साथ दोनों बाहर का जैसा देखो वो भी एक साथ वो भी इतने प्यार से मैंने फूल डालो राजपुर के चक्कर में कहीं उसको नहीं फूट लेना हाँ ये ठीक है आगे समझ नहीं आ रहा कुछ और है ना भोलेनाथ अरे एकदम बिल्कुल ठीक है इतने ठीक है कि हम बस घर के बाहर आप जा रहे हैं ना मुझे कुछ सामान चाहिए पाटला ला पाटला एंट्री कर लो पीछे जाओ बंटी पीछे 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 और बिजार 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 बस रोलिंग एक्शन शाम तक तो कुछ ठीक था ये अचानक हमारे साथ हो क्या रहा है अम्मा और सागरिका को साथ में पूरी भाजी भी खिलानी है एक ही समय में अपने अपने पसंदीदा शर्ट भी बनाने हैं वो भी इतने प्यार से और तो और एक साथ हमारे साथ बाहर भी जाना है ये समझ नहीं आ रहा कहीं फूट डालो राज करो के चक्कर में हम ना फूट लें अरे पेट कैसा है आपका पेट तो हमारा बहुत ठीक है इतना ठीक है कि हम घर के बाहर जाएं अच्छा सुनिए तो बाहर जाइए और मुझे भी ना कुछ सामान चाहिए जो मिला ही नहीं तो आप प्लीज रामनगर से लेते आइएगा लिस्ट सब कुछ लेते आइएगा बहुत कुछ ले आएंगे ओके कॉम्पैक्ट जैसे फट से केसिंग कॉम्पैक्ट केसिंग मिल जाएगा आपको हां रेडी अब एंट्री करना बस होल्ड पीछे 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 और पीछे और पीछे रोल हमारा एंट्री करो एंट्री होल्ड सुपुमा है तो जाओ पीछे जाओ अभी थोड़ा रोलिंग एंड एक्शन तो सब कुछ ठीक था फिर अचानक हमारे साथ हो क्या और सामने का कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है हम तो एक ही समय में पूरी भाजी भी खिला रहे हैं अपनी अपनी पसंदीदा शर्ट भी पहना रहे और तो और एक साथ हमारे साथ भाग भी जाना है ये भूत डालो राज करो के चक्कर में हम ना भूलें बहुत सारा प्यार दिखा अरे पेट कैसा है आपका पेट हमारा बहुत बढ़िया है इतना बढ़िया है कि हम सोच रहे हैं उतना घर के बाहर हुआ है अच्छा सुनिए तो घर के बाहर जाइए मुझे ना कुछ सामान चाहिए था जो अभी तक मिला ही नहीं
तो आप प्लीज रामनगर से जाकर ले आइएगा ये लिस्ट, सब कुछ ले आइएगा। बहुत कुछ ओके कुछ नहीं, अभी ये हो रहा है क्योंकि लास्ट फ्यू डेज ऑफ द शो है, तो अभी जो स्टोरी लाइन चल रही है वो ऐसा है कि फूड डालो और राज करो, तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई है बंटी ने बाबूजी के कहने पर, और मुझे और अम्मा जी को ये बात पता चल गई है कि वो हम दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने और अम्मा जी ने ये प्लान बनाया है और हम बंटी को टॉर्चर कर रहे हैं। हम है ना इज गोइंग ऑफ एयर ऑन द 19th ऑफ मार्च, तो इसीलिए लास्ट फ्यू डेज ही है, हम सब बहुत सैड हैं। तो काम करने का आप दोनों का एक्सपीरियंस आया ऑल थ्रू आउट द शो। तो इस सीरीज ने एंटरटेनमेंट के साथ कोई सोशल मैसेज भी दिया दर्शकों को, आप कहना चाहोगे? सोशल मैसेज आई थिंक सागरिका का एक ट्रैक आया था वुमेन एम्पावरमेंट का जो मुद्दा था वो सोशल मैसेज आया, बीच में काफी आए थे जो हर शो में आजकल हो ही रहा है, तो अब मुझे बहुत सारे तो याद नहीं लेकिन हाँ काफी सोशल मैसेज बीच में आए थे। आई थिंक दो बड़े मुद्दे थे, कॉन्जुगल राइट्स का था जो हुआ था इसमें कि हर औरत को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, एंड यस जो रेशम सिंह वाला ट्रैक था, सो हमने ट्राई किया है जिस तरह से भी एंटरटेन कर सकें, जिस तरह से भी मैसेजेस पहुंचा सकें, एंड आई होप ऑडियंस ने ग्रैब भी किया होगा। ग्रो कर रहा है, इतने सारे सीरियल्स आते हैं, इतने सारे सीरियल्स लॉन्च होते हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो खुद को अगर एक्टर एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर को कॉम्पिटिटिव मार्केट में रखना है, सक्सेसफुल बनना है, तो क्या मंत्र हो सकता है उसका? आई थिंक हमारे यहाँ तो एक ही मंत्र चलता है भाई, कॉन्फिडेंस। और अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छी स्क्रिप्ट है, एक अच्छा बैकिंग है और एक बढ़िया शो है जो आपके दिमाग में है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए हमारे गोल्स क्या है, एक टाइम पे चार चीज़ें सोच लेना इज़ नॉट द राइट थिंग, सो बी वेरी फोकस्ड एंड यू नो बी वेरी एज व्हाट ही सेड लाइक बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू विल सक्सीड एंड आई एम श्योर सब अच्छा होगा।